सो हेलो वेलकम टू अभिमन्यू एस नंबर वन इन एच सी एस प्रिपरेशन प्रम हो चाहे किसी भी तरह की आपकी एच सी एस से रिलेटेड तैयारी हो सब यहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी हो रही है हमारे साथ अभ्यास के साथ क्लियर सो so, सबसे पहली बात ऑलमोस्ट कितने दिन बचे दस बारह के आसपास अपना एग्जाम है पच्चीस ऑलमोस्ट दिन बचे तो क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए अब आप आपको वेट नहीं करनी चाहिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाने के लिए क्योंकि

एक अच्छी टेस्ट सीरीज देखना चाहिए जिसके बारे में मैं आपको भी बताता चलिए जो कि है देखो मैं वन तो मैंने गलत नहीं कहा से तो इतना है जब बड़ा आंकड़ा होता है ना तो वो वही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे आ सकता है वही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट अकेडमी में आ सकता है जहां पे क्वालिटी हो समझ आ गई बात अब जैसे मैं बात प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की क्वालिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने ट्वेंटी कितने? आपको इट्स अजर एटी फाइव हंड नहीं सिर्फ और सिर्फ सिक्स की और फीचर स्टूडेंट चार हैं मुझे इसमें चार टेस्ट मिल रहे हैं। और लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर देखिए जो हरियाणा जीके को लेकर थोड़े परेशान है ना जो तो हरियाणा जीके को लेकर थोड़ा बहुत चिंता में है क्योंकि आपके पास ये लगा लो दस से पंद्रह क्वेश्चन की रेंज है

तो अपना अधिकारी बनने का एच बनने का सपना बहुत ज्यादा दूर नहीं है बट हमसे जुड़िए और फायदा उठाइए क्लियर तो दोनों सेशन है हमारा। हमारा है, फोर <coughs> क्लियर तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी उनको बड़ा फायदा हो रहा है कहते हैं सर हम जब लगा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक्स हमारे अंश हुए थे अभी तक और हम उसको कवर कर रहे हैं तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मत भूले बिकॉज करिए इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है चलिए पहला क्वेश्चन क्या है टिकट नंबर वन टू ट्वेंटी आर मिक्सड अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम इसका मतलब एक से बीस तक की आपके पास रेंज है मिनिमम वन है और मैक्सिमम ट्वेंटी है क्लियर देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री और फाइव वो कुछ भी पूछ सकता है फोर एंड एट पूछ सकता है आपसे फोर एंड सेवन कुछ भी पूछ सकता है थोड़ा सा विजिलेंट थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है इस तरह के प्रश्न में देखिए सबसे पहली बात मेरे पास वन टू ट्वेंटी है ना मतलब टू यानी से के 20 तक के मेरे पास नंबरिंग के टिकट है क्लियर तो सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे वो नंबर खोजना है जो तीन के मल्टीपल है क्लियर सो मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री के हैं देखो तीन नौ, बारह पंद्रह और अठारह क्या मेरे पास <स्थाथ> तीन के मल्टीप्लाई यस नेक्स्ट में क्या करूंगा फिर ढूंढूंगा मल्टीपल ऑफ फाइव मल्टीपल ऑफ फाइव ठीक है मल्टीपल ऑफ फाइव ढूंढूंगा मैं ध्यान से देखिए पांच का पहला मल्टीपल पांच फिर क्या होगा दस फिर क्या होगा पंद्रह फिर, फिर क्या होगा बीस कुछ ऐसा ही मतलब ए, इंक्लूड कर रहे हैं एक सेल के बीस की से है, तो चार हो गए अब इसका छोटा सा एक डायग्राम डायग्राम बनता है जिसे आप आप भी भी कह सकते है। आप कुछ भी बोल सकते हैं हैं कुछ बोल सर्कल का डायग्राम भी बोल देते हैं इसको देखो ये पहले वाला क्या है मेरे पास इसको मैं बोलूंगा मल्टीपल ऑफ थ्री इसको मैं बोलता हूं मल्टीपल ऑफ फाइव क्लियर ये दो तरह के मेरे पास डायग्राम है मल्टीपल ऑफ थ्री एंड मल्टीपल ऑफ फाइव इज इज क्लियर स्टूडेंट्स देखो अब ये पोर्शन कौन सा हुआ इसको मैं बोलता हूं कॉमन रीजन कॉमन रीजन बोल लीजिए कॉमन पार्ट बोल लीजिए बोथ आर सेम थिंग क्लियर अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा देखो अगर मैं ध्यान से देखो तीन और पांच यहां पे पंद्रह दिख रहा है और यहां पे मुझे क्या दिख रहा है पंद्रह ध्यान दीजिए थोड़ा सा ये पंद्रह आया कैसे कैसे आया पंद्रह मतलब यहां पे एक नंबर है जो मेरे पास अवेलेबल है पंद्रह की फॉर्म में जो तीन और पांच दोनों में आ रहा है इसका मतलब अगर तीन के टोटल छह मल्टीपल थे तो अगर एक कॉमन था तो सिर्फ और सिर्फ तीन के जो मल्टीपल है जो पांच के मल्टीपल नहीं है वो कितने बचे पांच और पांच के टोटल कितने मल्टीपल थे चार। अगर एक कॉमन तो कितना बचा तीन तो टोटल जो मेरे पास नंबर आए कितने पांच छह सात आठ और एक नो नो आउट ऑफ कितना ट्वेंटी ऑप्शन नंबर क्या था मेरे पास सी इस क्वेश्चन में एक और बात बड़ी समझने वाली है है ना अभी तो चलो मेरे पास छोटा रेंपोज करो एक से लेकर सौ तक एक से लेकर ले हजार तक हो दो हजार तक हो या कोई बीच का रेंज दे दो सौ से लेकर सात सौ तक एलसीएम लिया था इस केस में भी आप सेम आपने ऐसा करना है ये नंबर कैसे निकलेगा कॉमन नंबर जो आपका कॉमन रीजन है या कॉमन नंबर है वो कैसे निकलेगा सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले लीजिए अगर यही मेरे पास 30 होता तो पंद्रह गुना तीस एक नंबर और ऐड हो जाता है इसमें क्लियर तो थोड़ा सा सतर्क रहिए इस तरह के क्वेश्चन में क्लियर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, करना मत भूलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेट इज वन फोर्टी परसेंट ऑफ बीनाजेट यानी स्नेहा और वीना दो मेरे पास सखियां हैं भाई पूरा पूरा नाम लिख लेना क्योंकि यहां पे सना भी है तो ये कंफ्यूजिंग सा सा थोड़ा ठीक है स्नेहा एंड वीना ये बोलते तो नहीं वॉशिंग पाउडर निर्मा वो नहीं, उसमें नहीं आता नहीं भाई है? जया सुषमा ऐसा कुछ था उसमें थोड़ा बहुत याद आ रहा पुरानी यादें हैं स्नेहान फोर्टी परसेंट ऑफ वीनाजेट देखो अगर ये सो है तो इसका वन फोर्टी वन फोर्टी हो गया ये नहीं कितना हो गया फाइव रेशो सेवन स्नेहाट इज पांच है तो ये कितना हो गया सिंपल क्लियर रीना वेट इज नाइंटी परसेंट ऑफ सनाज की कोई बात ही नहीं हुई है अब यहां पे बात हुई सना की सना विट इज ट्वाइस एज मच एजा अब ये आ गई मेरे पास सना जी तो भाई सना अगर वीना का एक है तो सना का कितना हो गया दो <coughs> तो कई बार क्वेश्चन <coughs> में थर्ड स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करवाती है इसी तरह से देखो जैसे पहली स्टेटमेंट ये थी मेरी जो मैंने बॉक्स में डाली सेकंड स्टेटमेंट क्या थी मेरी ये वाली और थर्ड स्टेटमेंट क्या थी मेरी ये वाली है ना तो थर्ड स्टेटमेंट ने मुझे बताया कि सेकंड स्टेटमेंट को अप्लाई कहां करना है

यही तो एक चीज थी जो बस मुझे समझनी थी क्वेश्चन करने के लिए दैट्स इट इसके सिवा क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था स्टूडेंट्स चलिए अब देखिए जरा क्या करना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या करना है तो यहाँ पे कितना आएगा क्लियर अब माफ कीजिएगा हाँ यहाँ पे आएगा दो एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं ताकि अच्छे से इसको कर सके देखो यहाँ कितना आएगा यहाँ आएगा पांच यहाँ पे क्या आएगा पांच यहाँ कितना आएगा एक यहाँ कितना आएगा दस और यहाँ कितना मैंने कलर चेंज इसलिए किए ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको कि पहले कौन सा प्लॉट हुआ है ये ब्लू वाला है जो बाद में प्लॉट किया है और रेड वाला जो पहले प्लॉट हो चुका है मैं निशान भी मार देता हूँ कौन कौन सा कहाँ प्लॉट हुआ है ठीक है चलिए देखो ये कितना हुआ दस गुना सात अच्छा पांच गुना दस पचास। अच्छा दस सौ पांच दूनी दस और नौ नब्बे चलिए इसको नोट कीजिए फिर आगे चलेंगे सत्तर पचास सौ एंड नब्बे क्लियर अब मुझसे क्या पूछे क्वेश्चन में इफ वेट इज एक्स परसेंट ऑफ मतलब स्नेहा का वेट है मतलब मुझे करना है यानी स्नेहा कहां है स्नेहा जी कहां छुपी है आप हाँ जी स्नेहा है सत्तर और ये कितना है मेरे पास रीना कितना है नब्बे इंटू ऑफ हंड्रेड परसेंट ना गया सात सौ बटा नौ परसेंट ऑप्शन नंबर डी इसको अगर आप और करके लिखना चाहें देखो सात बटे होती है आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है दोनों में जो अच्छा लगे वो फिट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की मुझे क्लियर चलिए लेटेस्ट मूड चलिए <laughs> Next is when the price of rice decreased by 10%, a girl could buy 1 kg more for 270 than the original price of the rice per kg. Ratio proportion से क्वेश्चन है बढ़िया करिए ब्लीस। देखो इसके लिए नहीं आपको एक चीज बतानी चाहिए। ये expenditure क्या होता है मेरे पास price into of क्वांटिटी एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर ये कांस्टेंट है ना तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होगा और आप क्या कह सकते हैं क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होगा ये दो चीजें हैं जो मेरे को अच्छे से समझनी और इनको आगे तैयार करने के लिए देखिए अब वो क्या करे प्राइस अगर प्राइस की मैं बात करूं कुछ ओरिजिनल प्राइस होगा कुछ फाइनल प्राइस होगा इट डिक्रीज बाय टेन परसेंट का मतलब क्या होगा मेरे पास वन बाय यानी जो दस वैल्यू थी कितनी होगी नो ही की नो ये बताओ तो दस वैल्यू थी वो नो होगी कि नहीं होगी ठीक है अच्छा अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं क्वांटिटी क्या होगी इनवर्स यानी देखो आगे से आपने ऐसे लिखना क्योंकि अगर आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम नाइन रेशो टेन तो जब भी ऐसा आए जब भी आपके पास बेटा ऐसा है तो आपने कुछ नहीं करना आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए इसको उल्टा करके लिख दो कि क्वांटिटी नाइन है तो कितनी होगी बस सिर्फ देखो एक बात ध्यान रखो देखो जैसे पेट्रोल है अभी सौ रुपए लीटर है है तो डेफिनेटली सौ रुपए में ज्यादा पेट्रोल डलेगा। एक बात याद रखिएगा अगर मेरे पास प्राइस चीज का कम होता है ना, क्वांटिटी ज्यादा आएगी सपोज करो वही तेल मेरे पास एक सौ बीस रुपए लीटर हो गया तो मेरे पास अब कम डलेगा पेट्रोल तो अगर प्राइस बढ़ता है तो चीज कम मिलेगी प्राइस कम होता है तो चीज ज्यादा मिलेगी तो देखो यहां पर भी यही हो रहा है, प्राइस कम हुआ क्वांटिटी <laughs> ऑटोमेटिकली तो मतलब क्लियर तो बेटा क्या होता है एक्सपेंडिचर अब देखो एक्सपेंडिचर कितना दो सौ सत्तर एक्सपेंडिचर कितना मेरा दो सौ सत्तर दिख रहा है ग्रीन कलर देख अरे बढ़िया दिख रहा है मुझे लगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज दीडियो इसमें हमारा फायदा इसमें आपका फायदा क्योंकि कंटेंट मिलता रहेगा और ये क्लासेस ऐसी जारी रहेंगी प्रीलिम्स क्लियर है उसके बाद जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से क्लासेस आपकी आती रहेंगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए चलिए जल्दी <coughs> से नोट <नोड़> कीजिए <coughs> अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं चलिए स्टूडेंट्स चलिए परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्या दिया द वैल्यू ऑफ व्हीकल एट द एंड ऑफ ईच ईयर डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 3/5th ऑफ द वैल्यू एट द बिगनिंग इफ इनिशियल

ये पांच था तीन हो गया ये भी तो चलेगा ये सो रहा हूं पांच का तीन बटे पांच पांच का तीन बटे पांच कितना होगा मेरे पास पांच का तीन बटे पांच मेरे पास तीन ही होगा भाई ठीक है इसी तरीके से और यही कॉन्टिन्यूटली होता जा रहा है यही कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं सेकंड ईयर में भी क्या हुआ तो पांच थी वैल्यू तीन रहेगी अगर थर्ड ईयर की बात करूं तो कितना था पांच था कितना हो गया लेकिन इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो ये मल्टीप्लाई होगा ना कि एड ना कि एड थोड़ा एड निकला नहीं था तो पांच का क्यूब 125 और तीन का क्यूब सत्ताईस क्लियर ये क्वेश्चन था जो मुझे करना था स्टूडेंट्स बस छोटी सी बात ठीक है अब मुझे क्या दिया एक सौ की वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू 10,000 कितने गुना भाई एक सौ पच्चीस को अगर मैं आठ से करूंगा कितना आएगा हजार एक और लगा दो तो इसको भी से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जल्दी से कीजिए चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था टू वन सिक्स जीरो ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्रिडेंट क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे

एवरेज यस द एवरेज मार्क्स फोर द इंटायरी एग्जाम वॉज सिक्सटी मार्क्स इफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ एप्लीके पच्चीस आया द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स इन द एग्जामिनेशन देखिए शुरू में क्वेश्चन न करो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा मान लो

यानी सौ का बीस परसेंट बीस इसीलिए सौ मारने में, में मेरी बलाई थी आंख बंद करके चुपचाप सौ ले लिया करो कोई दिक्कत नहीं जब तक आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं यानी सत्रह सो आ गया सत्रह सो मार्क्स एक्चुअली क्लियर नेक्स्ट क्या दिया आपके पास ट्वेंटी फाइव परसेंट इसका पच्चीस पच्चीस गुना नाइन फाइव देखो पच्चीस गुना नाइन फाइव कैसे करूंगा इसको अगर मैं चार से मल्टीप्लाई करके चार से डिवाइड कर दूं तो चलेगा हुआ क्या देखो ये कितना हो गया मेरे पास 9500 फाइव हंड्रेड हो गया 9500 फाइव हंड्रेड फोर यानी नाइनटी फाइव हंड्रेड बटे फोर ये कितना हो गया फोर सेवन फाइव जीरो डिवाइडेड बाई टू बचा ये कितना हो गया टू थ्री सेवन फाइव ये कितना हो गया टू थ्री सेवन फाइव लगा

थ्री सेवन बाई इलेवन क्लियर तो थर्टी फाइव बचाव थर्टी फाइव तैस पांच पांच बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर तो अप्लीकेशन इसकी बहुत अच्छी है जो मैंने भी ये बताया आपको कि अगर सौ बना ले जाए तो चार से डिवाइड कर दो तो आप इजीली कर पाएंगे क्लियर तो थर्टी फाइव इज द राइट आंसर इसको शेयर कीजिए लाइक करना मत भूलिए सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या मेरे पास इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है वो टोटल का ले लेते हैं इस रिमेनिंग वर्ड को वो क्या करते हैं नजरअंदाज कर देते हैं जिस वजह से क्वेश्चन में कॉम्प्लीकेशन बढ़ जाती है और गलत आता है आंसर फिर मेरा ऑप्शन में ही नहीं होगा वैसे एग्जामिनर काफी अच्छा है वो देता है कि भाई दे दो गलत कर देंगे कोई बात नहीं मुझे तो फायदा ही है एग्जामिनर कहेगा चलो बट जैसे टीचर पे जो सतर्क रखेंगे आपको हमेशा की तरह ऑन द सेकेंड देखो सबसे पहली बात टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेट टोटल नंबर ऑफ पेजेस मैं मान दो थर्टी फाइव अब आप कहोगे सर रैंडमली कैसे थर्टी फाइव मान लिया आपने देखो बेटा शुरू में मेरे कितने पेज हैं जो भी टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं

अब अगर डे टू की बात करूं मैं रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास पैंतीस पंद्रह बीस बचा बीस का दो बटे पांच पांच हो के बीस यानी कितने आठ पढ़ लिया भाई डे टू पे तो कितने पड़े गए पंद्रह तेईस तेईस में से कितने बचे बारह पेजेस मेरे पास अभी भी लेफ्ट है ट्वेल्व पेजेस आर स्टिल लेफ्ट टू रीड आउट इज एंड इट यस अब वो क्या कह रहा है भाई बारह पेजेस बचे हैं अपने पास बट वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्टी सिक्स यानी बारह की, की वैल्यू कितनी है छत्तीस तो एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास तीन तो पैंतीस की वैल्यू कितनी पैंतीस कितना हो गया स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर है साफ साफ दिख एक सौ पांच क्लियर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए वैसे भी अगर आप इजीली करते थे तो ये दोनों ऑप्शन तो आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते थे क्लियर जल्दी से नोट कीजिए लेट अस मूव ऑन टू तो द नेक्स्ट क्वेश्चन करिए करिए प्लीज नोट कीजिए इसको चलिए अर कंटेन अर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एंड एलिगेशन अ जार कंटेन 20 लीटर मिल्क बिफोर द फ्रॉम द जार 4 लीटर मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय इक्वल क्वांटिटी एंड इक्वल क्वांटिटी वाटर द 4 लीटर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द कैन देन व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कैन बढ़िया क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन करिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है मैं बताता हूं देखो क्या होता है वन माइनस ऑफ क्वांटिटी आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी नंबर एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स बात करेंगे इजी कर कितना टोटल देखो जब एक ही क्वांटिटी बार बार रिप्लेस हो रहा है जैसे इसमें क्या बोला है कि बीस लीटर था चार लीटर को एक बार किया फिर दोबारा किया

आप कहेंगे चार चौके सोलह चौके चौसठ चौसठ बट है राइट आंसर क्लियर तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल नहीं छोड़ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एकदम से कैच कर लीजिए क्लियर चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन ऑफ द आई थिंक क्लास टैंक ए एंड बी

मैं कोई फोन नहीं करने वाला पहले करते हैं देखो ये टैंक ये हो गया मेरे पास ठीक है उसने क्या बोला हाइट कितनी है मेरे पास टेन मीटर अच्छा ये मैंने रेडियस आर माना तो टू पाई आर कितना दिया मुझे एट मीटर यानी एट आर कितना आ गया बाय पाइव कुछ ऐसे फोर बाय अच्छा अच्छा तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी आर है है? तो पाई फोर स्केर बाय स्केर इनटू टेन यानी कितना सोलह एक सौ सो साठ बटे पाई एक सौ साठ बटे पाई होगी सिंपल सिंपल मैंने कुछ नहीं किया जो मुझे जो मुझे बेसिक इक्वेशन दिया मैंने उसके अकॉर्डिंगली चलाऊ अभी तक बाकी देखते हैं अच्छा टैंक बी है मेरे पास इसकी हाइट कितनी दी है मुझे इसकी हाइट मुझे दी एट मीटर और इसको अगर मैं आर लेता हूं आर कितना दिया मुझे निकालना पड़ेगा टू भाई आर कितना दिया है तो आर कितना होगा मेरे पास फाइव बाई पाई तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी मेरे पास पाई आर स्केर एच हाइट ले लो तो पाई 25 बटे पाई का स्क्वायर इंडोफाइट हाइट दिए 8 तो कितना आ गया 200 बटे पाई तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो अगर 160 है तो ये 200 है क्या बोला व्हाट परसेंट देन कैपेसिटी ऑफ टैंक ए इज व्हाट परसेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ बी तो कितना आ गया ए की कितनी है 160 बी की कितनी है 200 गुना ऑफ 100 कितना आ गया आपके पास

2022 में अगर आप ये सोच रहे हो कि इकतालीस से सताइस कैसे है तो नंबर ऑफ पोस्ट देख लेना कितनी ज्वाइन हुई थी तब आपको पता चलेगा क्यों इतना नंबर ऑफ इतना बड़ा है क्लियर तो की बात करें छब्बीस टेस्ट है आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना में स्टूडेंट्स कंप्लीट जनरल स्टडीज के चार टेस्ट मिलेंगे इसमें और सी सेट के आपको क्या मिलने वाले हैं इसमें चार टेस्ट मिलने वाले हैं हरियाणा जी की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ फोर हंड्रेड में कितने फाइव हंड्रेड एमसी क्यूज है प्लीज इसे भी आप अवेल कीजिए क्लियर तो प्लीज अभ्यास करते रहिए करते रहिए निरंतर और प्रयास करते रहिए और आप सफलता की जरूर पहुंचेंगे इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर खत्म करूंगा प्लीज लाइक सारे सारे कभी भी हताश मत होइए कभी क्या होता है कभी हम तो, जैसे सीरीज लगा रहे है, किसी तेस, कोई तेस, मुश्किल है कोई आसान है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मोडुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा ऊंचा उठाना पड़ेगा इन चीजों से कहने का मतलब अगर किसी मॉक टेस्ट में कम नंबर भी बने हैं, तो डिमोरलाइज नहीं होना यार मेरा होगा कि नहीं होगा कोई बात नहीं तैयारी कीजिए देखिए क्या गलतियां की वो दोहराने बस यही सफलता की कुंजी होती है समझा की बात चलिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर और सारे के सारे लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू स्टूडेंट्स